ये तज़किया का माना क्या है? इसका माना किया जाता है पाक करना, इसका असल माना पाक करना नहीं है। तज़किया निकला है ज़कात से, ज़कात मशहूर माल में से कुछ हिस्सा निकाल देना, इसको ज़कात कहा जाता है। आपको मालूम है ज़कात को ज़कात क्यों कहते हैं? ज़कात का एक्चुअल असली मीनिंग क्या है, असली माना क्या है इसका? वो नहीं है जो लोग समझते हैं मैंने ज़कात दी तो मेरा माल कम हो गया। अरबी जुबान में ज़कात का माना है किसी चीज का बढ़ना। अल्लाह ने बड़े चुन के नाम रखे चीजों के, ठीक है। ज़कात का माना क्या है? बढ़ना। जब मसलन अरब खेती कोई फसल लगाते थे और वो बढ़ना शुरू होती थी और उस पर एक जोबन आता था, फैलना शुरू होती थी, एक दाने से मसलन कई दाने निकल, इस प्रोसेस को जब देखते थे तो क्या कहते थे? ज़का अज़रो, खेती बढ़ रही है। इससे अल्लाह ने ज़कात का लफ्ज़ निकाला, ये बताने के लिए कि जो माल मुझे दोगे ये तसव्वुर भी ना आए, मैंने इसका नाम ही ज़कात यानी बढ़ना रखा है, ये तसव्वुर भी ना आए कि कम हो रहा है तुम्हारा माल, बढ़ रहा है। अब देखिए खेती कब बढ़ती है सही तरह से, जिनका ताल्लुक खेती बाड़ी से है उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम होगा कि जब फसल उगने लगती है तो जड़ी बूटियां आ जाती हैं बीच में, वो जड़ी बूटियां जो होती हैं उस खेती की अच्छी तरह जो उसकी उसका बढ़ना है उसमें रुकावट बनती हैं, उसकी ग्रोथ को मुतासिर करती हैं। तो किसान क्या करता है, जो भी वसायल उसके पास मुहैया हो उन्हें इस्तेमाल करता है ताकि जड़ी बूटी को निकाले उसमें से, जड़ी बूटियां निकल जाएंगी, हर वो चीज जब निकल जाएगी जो खेती के बढ़ने में रुकावट है तब खेती सही तरह बढ़ेगी। इस काम को कहते हैं तज़किया। रसूल क्या करता है, इंसान के अंदर हर वो चीज जो खुदा के करीब जाने में रुकावट है उसे बाहर निकालता है ताकि इंसान के अंदर जो पाकीज़ा सिफात है वो सही तरह से ग्रोथ कर सके। झूठ है, बदकारी है, धोखा है, जितने भी गुनाह है ये सब जड़ी बूटी है जो पाकीज़ा फसल को सही तरह से नहीं उगने देती, अल्लाह के करीब नहीं जाने देती। नबी क्या करता है, वयुज़क्कीहिम, जो यतलू अलैहिम आयाते की बात समझकर नबी से कहे आगे हमें बढ़ाएं, तो फिर वो कहता है पहले अपने अंदर को साफ करो, वयुज़क्की, उनका तज़किया करता है, उनके अंदर से वो तमाम चीज़ें निकालता है, उन्हें कहता है ये निकालो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तब वो फसल उस तरह उगेगी जिस तरह खुदा चाहता है। ये पाकीज़ा करके गुनाहों से फिर क्या करते हैं, फिर नबी उनका मुअल्लिम बनता है, नबी उनको तालीम देता है।